हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आप सबका फिर स्वागत है मेरे चैनल पर। जैसा कि नए नए अपडेट्स आता लाता रहता हूँ मेरे चैनल पे, क्योंकि जो मेरे पास पेट्स हैं उसके ऊपर अपडेट देता रहता हूँ, किस तरह ग्रोथ हो रही है, उसके करंट जो है सिचुएशन क्या है, क्या क्या चीज़ें फील, क्या क्या एक्सपीरियंस देखने के लिए मिला, क्या डिफ़िकल्टी हुई, ये सब सारे मैं अपडेट्स लाता रहता हूँ। तो आरोना में 6 महीने पहले अपडेट दिया था, जब से 6 महीने का, तो अभी तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। नवंबर 2020 में मैंने इसको लाया था तकरीबन, तो अभी मेरे हिसाब से 14 से 15 महीने हो गए। चले हम लोग 1 ईयर का अपडेट लगा लेते हैं। 1 ईयर अपडेट जो है, हम आरोना की बात करेंगे, कॉम्पेयर टू एशियन आरोना या सिल्वर आरोना कौन सा बेस्ट है, और क्या क्या डिफ़िकल्टी हम लोग इसमें देखते हैं, क्योंकि वक्त के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें बदलती रहती है। आपने भी देखा होगा अपनी ज़िंदगी में, हमने भी देखा है, सब कुछ चीज़ें बदलती रहती है। तो उस बदलते हुए टाइम पर हम लोगों को थोड़ा सीखने के लिए मिलता है। बहुत सारे लोग सीख ले लेते हैं, बहुत सारे लोग सीख नहीं लेते। तो अभी मेरे पास आरोना है, तो मुझे सीख मिली है कि क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, ताकि आपके पास आरोना है तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं, या आने वाले दिनों में आप आरोना लेना चाहते हैं तो उसको थोड़ा बहुत आप हेल्प मिल जाएगा। तो देखिए, तकरीबन मेरे पास ये आरोना लाकर मैं 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। जब मैंने यहाँ पर, आपने देखा, ये टैंक थी, इसमें 3 फीट की टैंक, पहले मैंने इसमें गोल्ड फिश रखा हुआ था, यहाँ पर थी गोल्ड फिश और शार्क रखे हुए थे, तो उसको मैं चेंज करके, उसको निकाल के मैंने आरोना डाली। फिर उसको कलर जो है, बैकग्राउंड सीनरी थी तो उसको मैंने ब्लू पेंट किया, ब्लू पेंट करके फिर 3 फीट में डाला, 3 फीट बना के फिर यहाँ पर अभी 5 फीट में चेंज कर दिया हूँ, 5 फीट मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अभी ये फिशेस बहुत एक्टिव है। जब मैं इसको लेके आया था तकरीबन 8-10 इंचेस की कुछ 10+ इंचेस थी, अभी देख सकते हैं ये इसकी साइज़ जो है 1.5 फीट से भी ज़्यादा हो चुकी है। आप पिक्चर देख लेना, मैंने पिक्चर यहाँ पर शेयर कराऊँ, जब मैं पहले लेके आया था ये वाली फ़िशेस थी आरोना 14 महीने या 1 साल पहले। तो अभी ये देखिए, बहुत ही अच्छा लगता है जब कोई भी फ़िशेस आप लाकर छोटे से बड़े करते हो। जैसा मैंने पैरेट फिश लेकर आया हूँ, एकदम बड़ा लेकर आया हूँ, तो उतना मज़ा नहीं आता है। अगर आप कोई फ़िशेस को ले रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, छोटी फ़िशेस लो। छोटी से जब उसको बड़ी करते हो तो बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती है, बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलती है, और बहुत ही मज़ा आता है कि छोटे से बड़े होते हुए देखना उसको। तो मैं मीडियम साइज़ की लेकर आया था अरोना को, मीडियम साइज़ से लेकर आया, तो अभी रखा हूँ, अभी 1 साल से इसको फीड कर रहा हूँ, उसका ध्यान देखता हूँ। कभी कभी ये स्ट्रेस में आ जाती है, कभी कभी नीचे बैठ जाती है, तो सारे चीज़ें जो है उसको सीखने के लिए मिलता है। जब टेम्परेचर लो हो जाता है, कभी कभी हीटर वर्क नहीं करता है, तो फिशेस डाउन में आकर बैठ जाती है। जब टेम्परेचर प्रॉपर रहता है, 28 हमने चालू रख दिया, हालांकि बहुत कम होता है, मेरे साथ बहुत रेयर हुआ है, लेकिन मैंने देखा हुआ है जब टेम्परेचर लो होता है, 22 या 24 तक चला जाता है, टेम्परेचर बहुत लो होता है, नीचे अगर बढ़ जाती है, स्ट्रेस में आती है, तो ये ऊपर जाकर टेम्परेचर हाई होने से ऊपर आती है। तो ये मिडिल स्विमर है, सरफेस स्विमर है, हमेशा ऊपर ही स्विम करती रहती है, इसलिए इसको कभी भी आप पैलेट्स आप फीड करते हो तो फ्लोटिंग पैलेट्स ही देना पड़ेगा, सिंगिंग पैलेट्स मत डालो। जब पैलेट्स नीचे अगर बैठते हैं उसको पिकअप नहीं कर पाएगी, जो पैलेट्स फ्लोट करते हैं उसको ही देना पड़ेगा। तो मैं फीडिंग में इसको पहले देखता था FH1 फूड, देखा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। स्टार्टिंग में ये वाला फूड देता था जो 800 रुपये से 1000 रुपये तक मिलता है, जो बहुत कॉस्टली होता था। 2 बार मैंने इसको लेके दिया तो बहुत कॉस्टली लग रहा था मुझे, 15 से 20 दिन में खाकर ख़त्म कर देती थी। तो उसके बाद मैंने क्या किया, लो बजट का फूड तलाश किया, ताकि मेरा पॉकेट मनी भी थोड़ा सेव हो और अच्छा, थोड़ा बहुत स्टेबल फूड भी मिले। तो उसके बाद मैंने टायोरिच देना स्टार्ट किया। टायोरिच का फूड जो है 420 रुपये में कुछ आ जाता है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है एक आरोना कीपर को। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है, फिशेस की तो ग्रोथ होती है, लेकिन उतनी ग्रोथ नहीं होती जैसा कंपेयर टू क्वालिटी फूड। तब मैंने क्या किया, इसको अल्टरनेटिव फूड देना स्टार्ट किया। इसके साथ मैंने शिम देना स्टार्ट किया, उसके साथ मैंने लाइव वाम देना स्टार्ट किया, उसके साथ मैं जो ड्राई वाम्स होते हैं, ड्राई वाम्स वो देना स्टार्ट किया, और लाइव वाम भी देना स्टार्ट किया। हफ्ते में 2 से 3 दिन जो है लाइव वाम्स या ड्राई वाम देना स्टार्ट किया, बाकी टाइम पे पैलेट जो आते हैं वो देना स्टार्ट किया। तो काफ़ी बैलेंस रहा फूड, काफ़ी अच्छा रहता है, फिशेज़ को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। 1 साल से रखा हूँ। आरोना को रखना बहुत ही ईजी है, बस 2 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, एक बड़ी टैंक होना चाहिए और दूसरा अच्छी फीडिंग और पानी क्लीन रहना चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो, साथ में ऑब्वियसली टेम्परेचर का भी ध्यान रखना है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो फिशेस को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से ग्रो करती जाएगी। लेकिन बस प्रॉब्लम यही है कि बहुत जल्दी बड़ी होती है कंपेयर टू एशियन आरोना। एशियन आरोना उतना जल्दी ग्रो नहीं होती है, लेकिन सिल्वर आरोना बहुत काफ़ी बड़ी हो जाती है। जब छोटी होती है तो उसका वाइटनेस ज़्यादा रहता है, जब बड़ी होती जाती है तो, और ऊपर जो है उसका बॉडी के ऊपर आप देख सकते हैं थोड़ा डार्कनेस है, क्योंकि लाइटिंग ऊपर पड़ती रहती है, जो लाइट यहाँ पर हम लाइटिंग इस्तेमाल करते हैं, तो उसकी वजह से ये थोड़ा बहुत ऊपर जो है डार्कनेस आ जाता है। हालांकि ये ज़रूरी है,
ये जब पड़ता है तभी फ़िशेस की क्वालिटी अच्छी लगती है और फ़िशेस ब्यूटीफुल लगती है। अगर ऊपर भी अगर वाइट हो जाए तो फ़िशेस अच्छी नहीं लगती है, काफ़ी बड़ी होती है तो उसका चेंजेस ही अलग हो जाता है। और मेडिसिन जो मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ वो मेरे पास है, वो भी दिखाता हूँ। और मेडिसिन जो है मैं 3 इस्तेमाल करता हूँ। इसमें बबल्स एंड ट्रबल्स का डीवार्मिंग है, ये 2 महीने में एक बार इस्तेमाल करता हूँ। 2 महीने में एक बार डीवार्मिंग करता रहता हूँ, 2 महीने में एक बार 8 से 10 ड्रॉप डालता हूँ एक दिन, फिर दूसरे दिन 30-40% पानी चेंज करके फिर 8 से 10 दिन डालता हूँ, 8 से 10 ड्रॉप डालता हूँ, फिर तीसरे दिन भी ऐसा करता हूँ। 3 दिन ही करता हूँ 2 महीने में एक बार। 3 दिन करने के बाद फिशेस के अंदर जो भी वार्म्स होते हैं वो आउट हो जाते हैं। हालांकि अभी तो मैंने अरोना को ऐसा ज़्यादा डीवार्मिंग नहीं किया, लेकिन 2-3 महीने में एक बार कर लेता हूँ। और बाकी जो है डी क्लोरिन, जब भी पानी चेंज करता हूँ थोड़ा डी क्लोरिन डाल देता हूँ, 1 ड्रॉप पर गैलन के हिसाब से डालना पड़ता है, तो थोड़ा बहुत मैं डाल देता हूँ मोटा मोटा हिसाब से। और उसके बाद डी स्ट्रेस, जब फिशेस कभी स्ट्रेस हो जाती है या खाना कम कर देती है तो कभी कभी डी स्ट्रेस जो है स्ट्रेस से लिक्विड भी आता है वो भी ले सकते हो, अकॉटिक रेमेडीज़ की, या ये भी ले सकते हो, कोई भी कंपनी के ले सकते हो, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। तो स्ट्रेस से लिक्विड और डी क्लोरिन एंटी क्लोरिन तो भी एक ही है, और डी वार्मोन, ये 3 मेडिसिन से इस्तेमाल कर रहा हूँ। बहुत रेयर इस्तेमाल करता हूँ, ज़्यादा मेडिसिन इस्तेमाल नहीं करता हूँ। मैं भी यही सजेस्ट करता हूँ कि मेडिसिन आप ज़्यादा इस्तेमाल मत करो फिशेस को, लेकिन कभी कभी ज़रूरत पड़ जाती है उसके हिसाब से आप मेडिसिन इस्तेमाल करना चाहिए जब ज़रूरत पड़े, वरना बगैर ज़रूरत के विदाउट एनी नेसेसरी आप डालना मेडिसिन अच्छा नहीं लगता है। और पानी जो है मैं टैप वाटर इस्तेमाल करता हूँ, जो म्यूनसिपलिटी का सप्लाई होता है वही पानी मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं हुई है, फिशेस काफ़ी हेल्थी और एक्टिव है। तो ये जो मेरी टैंक है 5 फीट की टैंक है, 5 फीट टैंक में काफ़ी अच्छे से ये ग्रो कर रही है जब से मैंने 5 फीट में रखा है। पहले 3 फीट की टैंक में रखा था, 1 फीट की टैंक थी तो उसको टर्न होने में बहुत दिक्कत होती थी। मैं भी सोच रहा था कब इसको मैं बड़ी टैंक में रखूं। अभी फाइनली मैं 5 फीट की टैंक भाई 1.5 फीट की चौड़ाई 1.5 फीट की है। अगर आप 2 फीट की आप देते हो आपके घर के अंदर आरोना के लिए बहुत भी और भी अच्छा रहेगा। हालांकि मेरा 1.5 फीट की टैंक है और लंबाई 5 फीट टैंक है, हाइट जो है इसकी 2 फीट है। हाइट मैटर नहीं करता है, हाइट आप चाहे तो 20 इंचेस भी रख सकते हो या 24 इंचेस भी रख सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। अगर आपके पास ज़्यादा फिशेस हैं तो आप ज़्यादा हाइट रखो, लेकिन 2 फीट से ज़्यादा हाइट मत रखो वरना रिस्की हो जाएगी टैंक। और लाइटिंग जो है 8 से 10 घंटे मैं डेली इस्तेमाल करता हूँ। और फिल्ट्रेशन बहुत अच्छा इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं, फिल्ट्रेशन आपको देखा होगा मैं सम फिल्टर इस्तेमाल करूँ, जिससे पानी देख सकते हैं कितना क्लीन और क्लियर रहता है। इसलिए थोड़ा बहुत साउंड आ रहा है जिसका सम फिल्टर की मोटर थोड़ी हैवी इस्तेमाल करूँ, जिसकी वजह से और भी थोड़ा साउंड आप शायद ऑब्जर्व कर रहे होंगे वीडियो के अंदर। और हफ्ते में एक बार जो है 30% पानी मैं चेंज करता हूँ, वैक्यूम करता हूँ, 30% निकाल के नया पानी डालता हूँ। पानी डालने के साथ साथ एंटी क्लोरिन का भी इस्तेमाल करता हूँ। तो इस तरह मैं अपनी फिशेस को केयर कर रहा हूँ, जिससे आप मेरी फिशेस जो बहुत ही हेल्थी है, हैप्पी है। आप खुद देख सकते हैं रिजल्ट कितनी फिशेस की ग्रोथ है, और भी मैं करीब से दिखाऊंगा। तो ये मेरी फिशेस की अभी करंट कंडीशंस है, आप देखिए। और यहाँ पर देख सकते हैं थोड़े फिन जो है यहाँ पर थोड़े उसके कॉर्नर में जो है थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं यहाँ पर थोड़ा रॉट जैसा समझो आप, थोड़ा बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होगा कि क्या हुआ है, रॉट हुआ है। ये कॉमन है, मैंने ऑब्जर्व किया है, 1 साल से ऐसे ही रहते हैं। कितना भी अच्छा पानी क्लीन रखो ये कॉर्नर जो होते हैं फिशेस के ये ऐसे ही रहते हैं यहाँ पर, ये कॉमन है सिल्वर आरोना में। ऐसा कोई नहीं कि आप बीमारी कह दो या फिन रॉट हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, काफ़ी अच्छी है। इसके टैंक मेट जो है आप पैरेट फिश रख सकते हैं, ऑस्कर रख सकते हैं, या आप पीसफुल सेमी अग्रेसिव सिचलेट रख सकते हैं, या अलग सिंगल चाहे तो सिंगल भी आरोना रख सकते हैं। तो अभी ये मेल है या फीमेल मुझे पता नहीं है, मैं तो रख रहा हूँ, मुझे लगता है ये मेल ही है क्योंकि इसका जॉ जो है वो काफ़ी बड़ा है, फीमेल का छोटा होता है। क्योंकि अंडों को अपने मुँह के अंदर रखते हैं ये, जिसकी वजह से उनका जॉ जो होता है जो जबड़ा होता है बहुत बड़ा है। तो मुझे लगता है ये 90% मेल ही है, अभी देखते हैं फ्यूचर में क्या होता है। तो बहुत सारे लोग मुझे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई आप एशियन आरोना क्यों नहीं रखते, बहुत सारे कॉस्टली आरोना आते हैं। भाई मेरा इतना बजट नहीं है, बजट के हिसाब से मैं अपना फॉलो करता हूँ, जितने इंसान की औकात होती है उतना ही चलना पड़ता है। तो मैं मेरे आरोना मैं रख सकता हूँ तो वही रखूँ, फ्यूचर में रखूँगा, कोशिश करूँगा अगर कुछ अच्छा हो गया, कुछ बजट हमारे पास आ गया तो हम कुछ बड़ी फ़िशेस रखने की कोशिश करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं ये फ़िशेस रख रहा हूँ, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरे साथ। बस ज़्यादा कुछ खींचता नहीं वीडियो को, आपको भी ऐसा ना हो ऐसा ना लगे कि सेम टॉपिक आप बार बार क्यों खींच रहे हो, लेकिन ये बस एक अपडेट है कि अपडेट आप देना पड़ता है कि आरोना की सिचुएशन कैसी है। 1 साल का अपडेट तो ज़रूरी था, 6 महीने पहले मैंने दे दिया था, तो 1 साल का अपडेट है। यहाँ पर देखिए थोड़ा बहुत यहाँ पर डैमेज हुआ है, शायद ये किसी फिश ने अटैक हुआ, मैं देख लेता हूँ, उसको ऑब्जर्व कर लेता हूँ। बाकी टैंक सेटअप कैसा लगा बता देना। और मैंने ये नए हेडिंग प्लेस ऐड किए, शायद आपने पुराने वीडियोज़ में नहीं था, ये
थोड़े हेडिंग प्लेसमेंट है, ये कि आप प्ले भी करते हैं, प्ले करने के लिए भी होता है, फिशेस को एज ए हेडिंग प्लेस भी होता है, इसलिए मैं ट्राई कर रहा हूँ। पहले पिरामिड की तरह रखा था, दो रख के ऊपर भी एक रख के हम गम लगा सकते थे, लेकिन थोड़ा नया ट्रेंड में ट्राई कर रहा हूँ, इससे फिशेस जो है घूमती है, अंदर जाती है, प्ले करती है, हाइडिंग प्लेस की तरह भी इस्तेमाल करती है, और बाकी ये दो पैरेट जो है ब्रीड कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपस में एक दूसरे चेस कर रहे हैं। तो मुझे बताना ये कंडीशंस कैसी है अरोना की, हम जितना भी सीखें इस फील्ड में बहुत ही कम है। तो जैसा मुझे एक्सपीरियंस लगा, जैसा मुझे लगा, मैंने आपको शेयर कर दिया। तो आप बता देना इसके अंदर क्या हम चेंजेस कर सकते हैं, या और क्या इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, या क्या और भी ज़्यादा ऑब्जेक्शन करना चाहिए। तो आप मुझे बता देना इस आरोना को और क्या चीज़ों की ध्यान रखना ज़रूरी है, और क्या चीज़ें हम फॉलो कर सकते हैं, या और क्या चीज़ें हम प्रोवाइड या दे सकते हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो आज का टॉपिक यही है, 1 ईयर अपडेट था मेरी आरोना का, काफ़ी करीब से मैं भी दिखा रहा हूँ, थोड़ा ये इधर उधर घूम रही क्योंकि हम उसके सामने मैं कैमरा लेके जा रहा हूँ, तो ये थोड़ा इधर उधर ये जाने की कोशिश कर रही है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया ज़रूर लाइक कर देना, शेयर कर देना, जो भी है इसके बारे में अपडेट्स या कमेंट बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अपडेट मिलते रहेंगे, फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, जब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय, खुदा हाफिज़।